हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से बहुत ही आसानी से अपने पासपोर्ट साइज़ को एडिट कर पासपोर्ट साइज़ बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे गैलरी पे जो फ़ोटो है उसको मैं एडिट करूँगा और मैं इसे निकालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे जैसे कि क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही जो है आपका बैकग्राउंड रिमूव होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीसी रिमूव्ड जैसे ही टाइप करते हैं, इस तरह का जो इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज है, यहाँ पे आप जो है जो इमेज को एडिट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही अपलोड कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन जो आ रहा है। अब जैसा बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं, जैसे बड़ा, ये तो ये सब पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बड़ा छोटा जो भी बैकग्राउंड है, जैसे पासपोर्ट साइज का फ़ोटो का जो है बेसिकली ब्लू या इस जो नीचे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये कलर बेसिकली यही सब यही कलर रहता है, ब्लैक ब्लू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू ले लिया, उसके बाद इसे करना क्या है, इसे यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे डाउनलोड इमेज कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं प्रीव्यू इसका। उसके बाद जो है जैसे ही यहाँ पे शेयर का बटन पे ऑप्शन क्लिक कीजिएगा या फिर डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे अपना एल्बम पे जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली शेयर किया था। तो यहाँ पे जैसे ही शेयर का ऑप्शन डालते हैं उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन आ जाते हैं, आप किस में भेजना चाहते हैं सोर्स ऑफ मीडिया। तो आप जो है यहाँ पे पासपोर्ट फोटो का एक ऐप है उसे डाउनलोड कर दीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, स्टार्ट एडिटिंग इसे टाइप कीजिए। अगर आप पेड वर्जन का क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐड नहीं आएगा, अपग्रेड करके इसका अपग्रेड वर्जन मैंने बतला दे रहा हूँ कि इसका अपग्रेड वर्जन जो है मेरे पे अभी शो नहीं कर रहा। जैसे ही आप इसे परचेज करते हैं तो आपका ऐड नहीं आएगा। जैसे मैं कंटिन्यू विथ ऐड करता हूँ तो ये थोड़े से ऐड आएंगे। उसके बाद जो है, इज योर फोन फिलिंग अप विद फोटोज एंड वीडियोस एंड फीलिंग स्लोअर बाय द डे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप सेट कर लेना है कितने लेफ्ट रखना है, कितना राइट में, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही कीजिएगा यहाँ पे कंट्री चूज करने के लिए आएगा, तो आप इंडिया चूज कीजिएगा। उसके बाद रिजोल्यूशन में 450 DPI चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने का यहाँ प्रीव्यू दिखाया गया है कि आप किस तरह से कितना रख सकते हैं पासपोर्ट साइज के लिए स्पेशली। आप क्रॉप जैसे ही बटन प्रेस करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप जितना साइज का बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। अब बेसिकली जो है क्रॉप साइजेस तो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट रहता है। आप इसे जैसे ही क्रॉप कीजिएगा आपका उस टाइप से कट के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आफ्टर जो है यहाँ पे सेव का बटन आता है। आप इसे बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। बैकग्राउंड रिमूव अगर करते हैं तो आपका जो है पेड वर्जन मांगता है, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ सेव करके स्किप, क्योंकि पहले ही बैकग्राउंड रिमूव कर चुके हैं फिर वेबसाइट से। और यहाँ पे ऐड एन आउटलाइन, आप आउटलाइन दे सकते हैं, जितना थिकनेस है उतना बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा ब्लैक, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेड, तो रेड आप थिकनेस बढ़ा भी घटा सकते हैं। तो मैंने ब्लैक चूज करा, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ब्लैक टाइप किया, उसके बाद जो है डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पे सेव का बटन है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे जो है मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है, प्रिंट मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा
आपको जितनी फ़ोटो चाहिए उतना उतना आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना चाहिए तो आपको एक 6 पीस चाहिए तो ये क्रॉप कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप बैक करके यहाँ पे आकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो आप क्लिक करके यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो लगा सकते हैं। इससे आपका जो है प्रिंट ज़्यादा निकले, ज़्यादा फ़ोटो एक बार में निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
A4 साइज में मार सकते हैं, और इसे आप चाहें तो इसे कम भी कर सकते हैं, इसका जो स्पेस है उसे घटा सकते हैं और इसे स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं, और यहाँ पर ही फ़ोटो का क्वांटिटी जो है उसे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैंने जैसे कम कर रहा, आप जैसे ही सेव करते हैं सेव करने के बाद ये फोटो जो है आपका सेव हो जाएगा। आप चाहे तो किसी भी कैफे में जाके निकाल सकते हैं, और आपका खुद का प्रिंट आउट है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही फ़ोटो देख सकते हैं, क्लिक फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं किस तरह से आपका सच के आ गया। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा, तो अब इसे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या कहीं पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रिंटर पे भेज रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तो निकालना नहीं है, बट यहाँ पे जैसे ही वाईफाई ऑन करूँगा तो डायरेक्टली ये जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर ही पेज सेटअप का कुछ ऑप्शन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोटो कट रहा है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कॉपीज 1 पेपर साइज A4 पेपर साइज A4 जैसे हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे ग्लॉसी पेपर फोटो पेपर प्लस ग्लॉसी ये भी क्लिक करके रखिए, और बॉर्डर लेस कर दीजिए, और यहाँ कलर ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है फ़ोटो चला आएगा। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है यहाँ पे आप अपने गैलरी पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपका फ़ोटो जो है सेव होके आ गया है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो फ़ोटो एडिटर है पासपोर्ट साइज का उससे भी प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसे किसी को भेज भी सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट प्रिंट मार सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह के वीडियो हर रोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल KMK TV को सब्सक्राइब कीजिए।